भगवान वाल्मीकि आश्रम शक्ति नगर जालंधर में भगवान वाल्मीकि वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन विपन सभरवाल व उनकी टीम की ओर से फिजियोथेरेपी और मैग्नेट थेरेपी का कैंप लगाया गया। ये कैंप 11 दिसंबर से 25 दिसंबर तक लगाया जा रहा है। वहीं लोगों की संख्या को देखते हुए और उनकी मांग के मद्देनजर ये कैंप 4 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। इस मौके पर डॉक्टर वीएस लोहाया, डॉक्टर भारती गिल, भगवान दास, आनंद बैंस, विजय सहोता, अभी सभरवाल, अशोक गिल, मीनू सभरवाल, चेतन नाहर भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। भगवान वाल्मीकि आश्रम दा मैं चेयरमैन, मेरे नाल महिला विंग दे प्रधान मेरी माता श्री, पूरी कमेटी ने, सोसाइटी ने जो इलेक्शन के दौरान कुछ वादे किए थे कि भगवान वाल्मीकि आश्रम के एक तो सारी देखरेख वधिया ढंग नाल मैनेजमेंट और सारा जो भी आश्रम का काम भी होने वाला सी सारा कमेटी ने सारा करवाया और असी डॉक्टर साहब नाल मीटिंग की और उन्होंने कोलों ये थेरेपी का कैंप लगाया और बहुत सारिया मातावान ने जो पता लगा कि आश्रम के कैंप लगा और पहला बहुत कम गिनती च मातावान आई हैं और जिन्होंने देखा कि काफ़ी समय लंबे समय तो अलग अलग डॉक्टर को अलग अलग टेस्ट कराए और काफ़ी प्रॉब्लम सगियाँ किसी के गोडे च, किसी के मोढ़े च, किसी के बैक प्रॉब्लम सी और जो इतने उन्होंने ज्वाइनिंग कैंप की आके इतने ट्रीटमेंट अपना करना शुरू किया और काफ़ी मातावान ठीक हुई। सर मेरा नाम वीर सिंह लोहिया है, हम हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं। सर जो कैंप लगाया तुम्हें कितना रिस्पॉन्स मिलता है, कितना कि मिले? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है यहाँ पर और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर ठीक हो रहे हैं लोग, तो उनके जो ठीक हुए हैं लोग उन्होंने बोला कि कैंप आगे बढ़ाना है। तो पहले हमारा 25 दिसंबर तक था तो अभी कैंप हमारा 4 जनवरी तक आगे बढ़ा दिया गया है। तो जैसे कि जो विपुल सभरवाल जी है उन्होंने यह कैंप लगवाया था तो अभी भी इस कैंप के बाद में और आगे भी एक दो कैंप और लगाने हैं जैसे आइस के, तो उसके अंदर स्पेक्स वगैरह है जो मेडिसिन है वो जरूरत पड़ेगी जिनको तो उसको दी जाएगी। दिन में कितने लोग आ जाते हैं? वो यहाँ पर 100+ हो चुके हैं अभी, तो अभी और भी पेशेंट डेली आ रहे हैं।